बक्सर जिले के इटाढ़ी की पुलिस उस समय सकते में आ गई जब यह पता चला कि गोली से घायल व्यक्ति खराना गांव के पास पड़ा है। घटना रविवार देर शाम की है। सूचना मिलते ही पुलिस उसे सदर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उपचार के बाद उसे बड़े अस्पताल भेजने की बात कही। घायल व्यक्ति का नाम महावीर बताया जा रहा है, जिसके पीठ के पास गोली लगी है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वह मऊ का रहने वाला है, नौकरी दिलाने का झांसा दे उसे एक व्यक्ति ने बिहार बुलाया था। रुपए लेकर मैं पहुंचा तो उन लोगों ने कैश हथिया लिया और गोली मार कर घायल कर दिया। हालांकि उसकी अटपटी बातों से पुलिस भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वह ना तो किसी का नाम बता रहा है और ना ही वह जगह जहाँ वह लेन देन करने पहुँचा था। घायल की ऐसी स्थिति भी नहीं है कि उससे बहुत पूछताछ की जा सके। मौके पर घायल का बयान लेने पहुंचे सर्किल इंस्पेक्टर मनोज कुमार से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। मामला अभी तो पूरे होश में वो नहीं है, लेकिन इतना पता चला है कि किसी ने नौकरी लगाने के लिए उनको बुलाया था, उसी में उनको बुलाने के बाद गोली मार दिया ले जाकर। पैसे लेने के लिए झांसे में देकर के पैसे, हाँ, नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लेकर के बुलाया था। ये कहाँ हुआ सर? ये अभी क्लियर नहीं बता पा रहे हैं, ये जगह दिखाएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। किस थाना इलाके का संभवतः ये? वो इटाढ़ी और राजपुर दोनों थाना के बीच में कहीं बता रहे हैं, नाम नहीं जान रहे। पुलिस को कहाँ बराबर हुआ है? पुलिस को तो खरहाना के पास है, वहाँ भागते हुए आए हैं। तो कौन से थाना का इलाका है वो? तो इटाढ़ी थाना का इलाका है। तो रहने वाले कहाँ के थे सर, कुछ पहचान? रहने वाले मऊ जिला के हैं, यूपी के बता रहे हैं। और किन लोगों द्वारा नौकरी के झांसे के लिए पैसा लिया? ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये नाम नहीं बता पा रहे हैं, आगे जांच में पता चलेगा। जख्मी का नाम वगैरह कुछ मिला? हाँ, जख्मी का नाम है, ये महावीर नाम है, महावीर पिता रोहन लाल मऊ जिला के रहने वाले हैं यूपी के। अब इसे सब इनसे भी थोड़ा होश में आने दीजिए। कहाँ आए थे आप? ये नहीं मालूम मुझे। तो यहाँ क्यों आए थे? नौकरी खातर आए थे। कब आए थे? अपने पहली तारीख को, भगना की नौकरी के लिए। अच्छा, अपनी नौकरी के लिए? नहीं, भगना की नौकरी लगवाने के लिए। भगना क्या नाम है? भगना का नाम है विकास। तो आप रहते कहाँ थे? एक तारीख से आए हुए थे। रहते थे हम भदौरा मनिया। अच्छा, वहाँ आते जाते ससुराल है मेरी वहाँ। हाँ। लेकिन मेरा साला लेवा के लाया यहाँ पर ही, उसे भी जानकारी नहीं थी। साला मेरा अंधा है दो आंखें से, उसे नहीं जानकारी थी कि ऐसा करेंगे। वो छोड़ के चला गया जहाँ। तीन दिन हो गए मुझे आए यहाँ, तीन चार दिन। आज गोली कैसे लगी? उसने ले जाकर खेत में गोली मारी मेरे। अच्छा। दो लोग थे। अच्छा, दो लोग ले जाकर खेत में मारे। तो क्या नौकरी के लिए आप पैसा उसे भी दिए थे? पैसा था। कितना? 2,50,000 रुपये जमा कर गए थे 20 तारीख को हम। किसको दिए थे? इसी को देखे गए थे, मेरे सालिन दिलवाए थे। हा? मेरे सालिन दिलवाए थे। किसको दिलवाए थे? जो आदमी था। क्या नाम है आपके साले का? कुछ लीजिए जितेंद्र जी। कहाँ का रहने वाला है? वो भदौरा मनिया के। भदौरा मनिया के। क्या नाम है आपका? महावीर। कहाँ का रहने वाले हैं? बस्तर। बस्तर यूपी। हाँ ठीक। जिसको थाना के द्वारा लाया गया है, लगभग उम्र 45 साल लगता है कि है, और उनके चेस्ट पे और बैक पे दो जख्म दिख रहे थे, सर्कुलर थे, ऐसा लग रहा था कि सही में गोली ही मारा गया है। और थाना के द्वारा भी यही बात बताई गई है। पेशेंट तो अभी स्टेबल है, और मैंने पेशेंट का लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट करने के बाद एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने के बाद उसमें कोई बुलेट वगैरह तो ऐसा कुछ फॉरेन पार्टिकल्स नहीं दिखा, तो ऐसा लग रहा है कि शायद सिंगल ही मतलब गोली चली है या जो जख्म हुई है, जिसकी वजह से वो बुलेट जो है पेनिट्रेट करके बाहर निकल गया। यदि वो फॉरेन पार्ट के अंदर रहता तो ये प्रतीत होता कि शायद डबल भी इंजरी मतलब गोली चली होगी, लेकिन एक भी नहीं दिखा है बुलेट। इससे प्रतीत हो रहा है कि एक गोली चली है और उसी के दोनों जख्म हैं। सर, पेशेंट आर पार हो गई है? हाँ, तो क्या स्थिति गंभीर है क्या? नहीं, पेशेंट का इंटरनल इंजुरी हुई है तो वो तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन फॉरेन पार्टिकल जो है नहीं दिखा है एक्सरे में, क्योंकि एक्सरे हमारे यहाँ सुविधा है, एक्सरे में तो हम लोग यही बता सकते हैं। हमारे पास अभी तो कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, हम फिजिशियन है, तो फिजिशियन के स्तर से हमने जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट थी वो मैंने किया है, और पेशेंट को
स्टेबल किया है, पेशेंट अभी स्टेबल है, कॉन्शियस बिल्कुल वेल ओरिएंटेड है, अपना पूरा हिस्ट्री डिटेल्स में भी बता रहा है कैसे हुआ क्या हुआ, और पेशेंट को पूरी ट्रीटमेंट करने के बाद हायर सेंटर के लिए हमने रेफर कर दिया है, इसलिए कि हो सकता है कहीं पे ऑर्गन्स का इंजूरी हुआ होगा, क्योंकि चेस्ट से लगा है तो गोली लंग्स को भी डैमेज किया होगा, हार्ट को भी कर सकता है, तो आगे की स्थिति बिगड़ ना जाए इसके लिए पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। जख्मी की पहचान क्या है? जख्मी यूपी के रहने वाले हैं, महावीर नाम है, 45 साल के हैं, और थाना के द्वारा, बक्सर थाना के द्वारा ही लाया गया है।